हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी बिल्डर्स में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको, अगर मैं आज सिर्फ बात करूंगा सिंगल स्टोरी के लिए यानी कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, अगर आप ग्राउंड फ्लोर बनवा रहे हैं तो आपको जो फुटिंग होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे घर के लिए फाउंडेशन होता है यानी कि नींव, और जो हम आजकल स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर, तो उसमें फुटिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आपकी फुटिंग अच्छी होगी यानी कि फुटिंग मजबूत होगी तो आपका घर ऑलरेडी मजबूत ही बनना है। अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हैं तो फिर कंडीशन ये होती है कि आपका घर भी मजबूत नहीं बन पाएगा शायद तक। तो समय ना गवाते हुए हम सीधा वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं और आज हम बात करेंगे कि आप फुटिंग बना रहे हैं तो आपको किस तरह से बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फ्रेंड, सबसे पहले अगर मैं सिर्फ सिंगल स्टोरी की बात करूं आज इस वीडियो में, तो आप जब जैसे कि अर्थवर्क होता है यानी कि नींव की खुदाई, तो उससे पहले आपको ज़रूरत होती है कॉलम के पॉइंट की। जो आपका प्लानिंग होता है, एक नक्शा बनता है, नक्शे में आपको इंजीनियर द्वारा कॉलम के पॉइंट्स दिए जाते हैं कि कॉलम आपका यहाँ पर आएगा। उस कॉलम में आपको चूना डाला जाता है और आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे कितना ऑफसेट देना है यानी कि कितना मुझे खुदाई करना है। तो वहाँ पर आपकी फुटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब देख लीजिए, जैसे कि आप फुटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मुझे इसका साइज़ क्या देना है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो सिंगल स्टोरी के लिए आप फुटिंग का जो साइज़ है 3 फिट बाय 3 फिट से 3.5 फिट 4 फिट तक दे सकते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। और थोड़ा सा सॉइल यानी मिट्टी की वहाँ पर कंडीशन देख के, आपका अगर बड़ा प्रोजेक्ट्स है, मेजर प्रोजेक्ट्स है, तो आप इसके लिए CBR टेस्ट करवा सकते हैं जो कि मृदा परीक्षण लैब में हो जाएगा आपका, और आप इस तरह से अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो जनरल वर्क अगर आप कर रहे हैं सिर्फ सिंगल स्टोरी, तो इसे करवाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका साइज़ हो जाता है, तो जो साइज़ रहता है पर्टिकुलर, उसके बीच में हमारा, देखिए, फुटिंग जो बनेगी या तो आपकी सिंगल साइड बनेगी या डबल साइड, यानी कि एक तो आपकी दोनों तरफ रहेगी फुटिंग जिसके बीच में कॉलम आएगा आपका, आप डायग्राम में भी पॉसिबल है देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर साइड में किसी का घर है तो ऐसा तो है नहीं कि आप बीच में करें और उसके घर को आप तोड़ के और फिर वहाँ फुटिंग करें, तो उस कंडीशन में आपकी वन साइडेड फुटिंग आती है यानी कि वो सिर्फ अपने घर के तरफ ही रहती है और दूसरे तरफ नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप फुटिंग स्टार्ट करते हैं बनाना, तो सबसे एक स्लैब टाइप का आपको नीचे जाल देना होता है। मैं PCC का ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप कहाँ डालते हैं, उसको आप देख सकते हैं जाकर चैनल में या प्लेलिस्ट में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो स्लैब जैसा हम नीचे बनाते हैं फुटिंग में, तो उसके लिए हमें क्या सरिया देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी सिंगल स्टोरी है तो आप यहाँ पर 10x10 के दे सकते हैं जाल, यानी कि स्लैब के जैसे आपको 10x10 का दे देना है एक जाल। और यहाँ पर एक चीज़ विशेष है कि आपको जो उसकी डिस्टेंस रखना है यानी लॉन्गिट्यूडनल और मेन बार, यानी कि हम जो दोनों तरफ से सरिया डालते हैं इन दोनों के बीच की दूरी आपको सेंटर टू सेंटर आप 6 इंच रख सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि इसको 7 इंच भी रख लेते हैं, कहीं 7.5 इंच भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 इंच ही दें। यहाँ से हमारा आगे बढ़ता है वर्क, आपको फिर देना होता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली है कि वहाँ से कॉलम, जब हम बीच में जैसे हमारा सेंटर है वहाँ से कॉलम के लिए स्टार्ट हो जाता है हमारा रेनफोर्समेंट। जो ग्राउंड लेवल के नीचे का हिस्सा होता है वो हमारा फुटिंग में आएगा, उसके बाद हम ओवरलेप करते हैं कॉलम का रेनफोर्समेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो आप इसमें ओवरलेप ना करते हुए आप नीचे जो एल सेक्शन बनेगा आपका, एक एल के रूप में आप बना सकते हैं वहाँ पर, और सीधा आप ऊपर कॉलम तक लेकर जाइए रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया, वो आपका रहेगा 4 नंबर, यानी कि 4 सरिया आप डालिए। साइज़ आप 9x9 9x12 दे सकते हैं, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इन्हें आप
चार नंबर डालना है और वो रहेंगे फ्रेंड्स आपके 12 mm, यानी कि 12 mm के रहेंगे आपके सरिया। और इसमें जो हम रिंग बांधेंगे, तो रिंग आप जो बांधेंगे तो वो फ्रेंड्स आपको 6 इंच डालना है। एक से दूसरे की दूरी जो है वो 6 इंच होना चाहिए और बराबर आपको पर्टिकुलर देख के और मार्किंग करके ही डालना है, जिससे कि आपको बाद में भविष्य में कम ज़्यादा होने पे प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से आप अपनी फर्स्ट स्टोरी यानी कि सिर्फ सिंगल ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, उसका आप बहुत अच्छी तरह से फुटिंग कर सकते हैं। और उसको अगर आपको आगे लेके जाना है तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपको ऊपर भी लेके जाना है उसके ऊपर, यानी कि 2, 3, 4, 5, तो उसके लिए आप प्लानिंग पहले से करें, पहले से आप सोचें। और इसके ऊपर भी आप चाहते हैं कि बनाना है, उस हिसाब से फुटिंग का आपको डिज़ाइन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि उस हिसाब से मैं बताऊं, तो मुझे आप कमेंट्स करके सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उनके लिए भी 2, 3, 5 तक फुटिंग के लिए कैसे देना चाहिए उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। फ्रेंड्स, आई होप आप इन बातों से अंडरस्टैंड होंगे और आपको इन बातों से मैंने जो कुछ बताया उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।